स्लिटी जी नाम के इस शख्स का नाम जितना बोलने में कठिन है उससे भी ज़्यादा कठिन इस इंसान की ज़िंदगी थी। स्लिटी जी को एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वह अपनी जवानी की उम्र में भी एक 3 साल के बच्चे की तरह ही सोच पाता था। वह केवल छोटे छोटे शब्दों में बात किया करता था। एक लड़की की पोशाक पहन वो पूरी ज़िंदगी लोगों के मनोरंजन के लिए नाटक करता रहा। स्लिटी जी मैक्रोसेफली नाम की एक बीमारी से ग्रसित था। इस बीमारी में मस्तिष्क, दिमाग और शरीर के अंग आड़े टेढ़े हो जाते हैं। इस बीमारी में इंसान की सीखने की क्षमता, सुनने और बोलने की क्षमता नाम मात्र हो जाती है। कुछ जानकारों का कहना है कि स्लिटी जी का जन्म 1901 में अमेरिका में हुआ था। स्लिटी जी की इस हालत की वजह से उसे कोई भी पालना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे पालने से इनकार कर दिया और उसे एक सर्कस शो वाले को बेच दिया और इस तरह स्लिटी जी सर्कस का हिस्सा बन गया। कुछ ही सालों के बाद उसे सर्कस में द मंकी गर्ल का किरदार निभाने का मौका मिला। लोगों को उसके शोज तो पसंद आते थे लेकिन कभी उसे किसी ने अपनाया नहीं। वह हमेशा ही लड़की के कपड़े पहनकर अपना प्रदर्शन करता था और अपने मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। सर्कस के इस शो के सफलता के बाद उसे एक फिल्म में काम करने को भी मिला। स्लिटी जी की इस फिल्म के बाद उसे बंदरों के एक ट्रेनर ने गोद ले लिया। सुरतीस नाम की इस ट्रेनर ने स्लिटी जी को बहुत प्यार दिया, लेकिन एक दिन सुरतीस की मौत हो गई। सुरतीस की बेटी ने उसकी मौत के बाद स्लिटी जी को एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। स्लिटी जी वहाँ 3 साल रहा और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। स्लिटी जी सर्कस की ज़िंदगी को याद कर उदास रहने लगा। उसकी बिगड़ती हालत देख हॉस्पिटल ने उसे फिर से शोज करने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन सर्कस में काम करने के बाद स्लिटी जी रिटायर हो गया, लेकिन वह हमेशा अपनी ज़िंदगी में दुखी ही रहा। लोगों को हंसाने वाला स्लिटी जी अब हताश हो गया था। 70 की आयु में आखिरकार स्लिटी जी ने इस दुनिया को अलविदा कर गया। जब उसे दफनाया गया तो उसकी कब्र पर उसका नाम तक नहीं लिखा गया था। 2007 में स्लिटी जी के एक प्रशंसक ने उसकी कब्र पर उसका नाम लिखवाया, जिसके बाद वो फिर से खबरों में आ गया। दोस्तों, स्लिटी जी शारीरिक रूप से अधिक सक्षम भले ना हो लेकिन कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।